एंड स्टनिंग व्यू। इस भाई साहब की ठंड से फट चुकी है। अबे भाई माइनस वन हो रखा है, क्यों नहीं होगी बता। ले 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 ले, सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। हमने गाड़ी उठा ली यहाँ से, X5 got a free upgrade। मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। नमस्कार, मैं आप सभी को, दिस इज योर बॉय कार्तिक। अभी हम जा रहे हैं इनवरनेस लंदन लूटन एयरपोर्ट से, और इनवरनेस से हम जाने वाले हैं उइकुर्ट कैसल, जो आपका लॉकनेस के पास है। इनवरनेस की ओर चलते हुए और बढ़िया से धूप निकली है अभी, फ्लाइट पीछे अपनी, ऑल सेट। हमें लंदन लूटन एयरपोर्ट से इनवरनेस तक का जो फ्लाइट का चार्ज था बहुत ही सस्ता पड़ा हमें, £15 पर पर्सन पे, बहुत ही चीपली, क्योंकि हमने 3 महीने पहले एडवांस बुक कर लिया था तो आपको हमें £15 पड़ गया था। बट आप भी, मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप बहुत पहले से बुक करते हो बहुत चीप टिकट्स मिल जाती हैं। हाँ तो भैया, हमने गाड़ी उठा ली यहाँ से, X5 got a free upgrade and now we will be heading towards Inverness main city, amazing। चलिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमें BMW X5 टॉप मॉडल फ्री अपग्रेड में कैसे मिला, बट पहले आप पूरा गाड़ी के अंदर देख लीजिए। So number 3 is the hottest on the seat. Number 2 is obviously medium heat. You've got the same for your passenger there. I'll leave it on 2 for you. Yeah. This is your... How to bring it up forward? So there's a little slider, push the slider one forwards. Chalo. गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आपने समर जो स्कॉटलैंड का रोड ट्रिप था जो उसमें मैंने कॉस्टिंग बताई थी वो वाला वीडियो देखा है, सो दैट ये वाला आपको क्लियर हो जाएगा। उसने मैं फ्री अपग्रेड इसलिए करा था क्योंकि ये वाली गाड़ी खाली पड़ी हुई थी एंड वी वर लाइक टेकिंग इट फॉर 3 डेज। हमने इनिशियली X1 लिया था BMW का, बट उन्होंने कहा कि सर £25 एक्स्ट्रा पे कर दीजिए और आपका हमारा वैसे ही खाली पड़ा हुआ है तो आप ले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। तो हमने कहा कि भाई यही ले जाते हैं, बेस्ट रहेगा रोड ट्रिप के लिए। तो बाकी जो हमारा समर स्कॉटलैंड का रोड ट्रिप जो हमने मर्सिडीज उठाई थी उसका लिंक इन डिस्क्रिप्शन। So we have just reached Inverness and this is absolutely beautiful city. और अभी हम लोग बस अभी we are just planning to have fish and chips, जो आके traditional dish again because you don't get anything else. और अभी बस यहाँ से गाड़ी से निकल के we got some hotel over there. We'll go. Do I get to speak anything? Last line. Bird, Adela bird. Fish and chips and awesome. तो कल हम सुबह निकल रहे हैं लॉकनेस के लिए, उइकुर्ट कैसल मेनली डेस्टिनेशन, बट आज रात को हम यहीं पे एक ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट में रुक रहे हैं। Morning guys, so we have just woken up, had our breakfast and done everything. So abhi hum log jayenge towards Loch Ness and then towards Loch Lomond and all the other things. So abhi dekhte hain. That was a beautiful chota sa ek yahan pe ek humne bed and breakfast ka option le liya tha. It was a very nice accommodation run by some Turkish people, so who have immigrated here.
सो मज़ेदार था. एंड एज यू कैन सी ट्रेडिशनल स्कॉटिश होम, अमेजिंग, थोड़ी लग्जूरियस और एवरीथिंग. और हमारी गाड़ी यहाँ पे बहुत छोटी लॉन्च थे बट मज़ेदार. एंड यू हैव अमेजिंग व्यू इन द फ्रंट. That is River Ness. Emma, tip on a vlog. In the air. Such a nice place, and it's too cold, and I'm loving it. Castle at the back, or ye aapka hai Loch Ness River, which is, you might have heard about the Loch Ness Monster, that is the famous lake which stretches for miles and miles. Aur ye yahan se peeche ko jaane ke liye upar tak. So this is by far one of the most scenic castles here in Scotland, the Uicoud Castle. It is practically ruins, but it still has one of great historical significance and definitely amazing views. Karthik, want to say something? बस नीचे पहुंच रहे हैं अभी कैसल की तरफ. काफी है दूर. आपके सामने Uicoud कैसल और ये आपका Loch Ness लेक. एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड स्टनिंग व्यू. इस भाई साहब की ठंड से GAND फट चुकी है. अबे भाई माइनस वन हो रखा है, क्यों नहीं होएगी बता. इट्स नॉट माइनस वन एग्जैक्टली बट 90% व्यूअर्स को भी ऐसा लगेगा. डेफिनेटली इट इज अ मस्ट टू लिस्ट. अगर आप स्कॉटलैंड आ रहे हैं तो ये जरूर जरूर करना है. एंड डेफिनेटली प्री प्रिपेयर्ड इफ यू आर कमिंग इन विंटर. थोड़े अच्छे खासे कपड़े पहनो भाई, सब कुछ पहनो. कैमरा मैन भी बहुत कष्ट ले रहा है, हाथ सख्त हो गए. ये देखो, ये मानेगा नहीं. आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया. और हम अभी Uicoud कैसल के बाद हम सीधा का सीधा जा रहे हैं एडिनबरा, और जो व्यूज होने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग होने वाले गाइस. और अगला वीडियो सिर्फ इसी पे होगा, कंपैरिजन करूंगा समर स्कॉटलैंड में और विंटर में स्कॉटलैंड का रोड ट्रिप कितना बढ़िया लगेगा. तो वो सब अभी आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड गाइस. एंड आप यहाँ तक देख रहे हो तो यू आर जेन्युइनली स्पेशल. तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा, और कुछ मैं अच्छा कर सकता हूँ तो वो भी लिख दीजिए. सी यू अगेन, थैंक यू.